नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने वाले जनप्रतिनिधियों पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन। पटना से एटीएम कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने वाला शातिर हुआ गिरफ्तार। बिहार में यूरिया की तय कीमत से अधिक लेने पर कॉल करके करे शिकायत। राज्य के मानसूनी सिस्टम में 17 जुलाई से दिखेंगे बदलाव। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मानसूनी सिस्टम में 17 जुलाई से दिखेंगे बदलाव। बिहार में इन दिनों तेज धूप की तपिश से लोग बेहाल हो रहे हैं। कई जिलों में दिन में धूप और वातावरण में नमी के कारण तापमान बढ़ गया है। पटना में बीते दिन मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कभी धूप तो कभी नमी की स्थिति बनी हुई थी। बीते दिन की सुबह 8 बजे तक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 4 बजे तक 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 17 जुलाई से राज्य के मानसूनी सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिस वजह से सभी हिस्से में बीच की बारिश होने की संभावना है। इस क्रम में 16 जुलाई से बिहार के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश के भी आसार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में आने वाली नमी की हवा की वजह से उत्तर बिहार के 19 जिले में भी 7 से 32 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। पटना IGIMS में आज से हर विभाग देखेंगे 100 की संख्या में मरीज। कोरोना काल का प्रकोप कम होने के बाद पटना स्थित IGIMS में अन्य मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर IGIMS प्रशासन ने आज से अब हर विभाग में 100 मरीजों को OPD में देखने का फैसला किया है। इससे पहले मंगलवार तक हर विभाग सिर्फ 50 मरीजों को ही देख रहा था। हालांकि किडनी रोग विभाग में रोजाना 75 मरीज और नेत्र रोग विभाग में हर दिन 125 मरीज देखे जाएंगे। अस्पताल प्रशासन के इस फैसले के बाद यहां अब हर दिन करीब 2000 मरीज OPD में अपना इलाज करवा सकेंगे। बता दें कि अभी OPD में दिखवाने में ऑनलाइन ही नंबर लगवाना होगा। जिन्हें नहीं आता है वे संबंधित विभाग की OPD में जाकर वहां के स्वास्थ्य कर्मी से ऑनलाइन नंबर लगवा सकते हैं। साथ ही नंबर जिस दिन लगाया जाएगा उसके अगले दिन ही डॉक्टर मरीज को देखेंगे। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने वाले जनप्रतिनिधियों पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन। बिहार में छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन का काम चल रहा है, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हर बार की तरह ही नियोजन प्रक्रिया में धांधली होने की भी शिकायतें मिल रही है, जिससे लेकर शिक्षा विभाग शुरू से ही सख्त कदम उठा रहा था। वहीं अब विभाग ने सभी जिलों के DEO और DPO को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा मिली शिकायत में कुछ नियोजन इकाइयों द्वारा विभागीय निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कई तरह की शिकायतें भी मिल रही है। ऐसे में अगर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो सभी कर्मी पदाधिकारी और पंचायत नगर निकाय के प्रतिनिधि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया जाएगा। जुलाई में दिए जाने वाले अनाज को 10 अगस्त तक वितरण करने का जारी हुआ निर्देश। कोरोना के कारण केंद्र और राज्य की सरकार ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था, मगर इसकी प्रक्रिया कछुए की चाल की तरह चल रही है। इसे लेकर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8.60 करोड़ लाभुकों के बीच जुलाई महीने का अनाज अगर नहीं दिया गया है तो इसे 10 अगस्त तक दे दिया जाए। साथ ही सभी SDO को निर्देश जारी कर कहा गया है कि यदि निर्धारित समय में अनाज वितरण करते हुए दुकानदार नहीं पाए जाएं और गैर हाजिर या दुकान बंद पाया जाए तो उस दुकानदार पर भी कार्रवाई करें। इस दौरान लाभुक भी राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत को तत्काल SDO कंट्रोल रूम को सूचित कर सकते हैं। जनता दरबार में शिकायत के बाद अब इसी सप्ताह मिलेगा सेविकाओं को वेतन। बिहार के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में वेतन लंबित रहने संबंधित शिकायत करने का फायदा अब सेविकाओं को इसी सप्ताह मिल जाएगा। दरअसल समाज कल्याण विभाग ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब सेविका के स्कूली सर्टिफिकेट का जल्द ही जांच करा के उनके लंबित वेतन को जारी कर दिया जाएगा। राज्य भर में 14,000 सेविकाओं को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल नियम के अनुसार किसी सेविका का वेतन उसके स्कूली सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही निर्गत होता है, मगर कई दिनों से जांच लंबित भी था। ऐसे में सेविका से काम तो कराया जा रहा था मगर वेतन को रोक कर रखा गया था। इसलिए ऐसी शिकायत मिलने के बाद अब विभाग द्वारा समस्या को इसी सप्ताह तक दूर करने की कवायद की जा रही है। राज्य में अगले महीने तक 119 PSA ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे शुरू। बिहार सरकार कोरोना की दूसरी लहर से काफी सबक ले चुकी है और यह गलती आने वाली संभावित लहर में ना हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सारी तैयारियां पूरी रखना चाहता है। सबसे बड़ा बवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुआ था, जिसे सबसे पहले सरकार दूर कर रही है। सरकार ने अगस्त
अगस्त महीने के अंत तक 119 PSA प्लांट लगवाकर तैयार रखने का दावा किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर दिन इस कार्य की समीक्षा की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 13 प्लांट के सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा कर लिया गया है। वहीं कुल 35 प्लांट के लिए सिविल वर्क का काम शुरू किया जा चुका है और साथ ही अभी तक 62 प्लांट के निर्माण के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 119 PSA प्लांट में से 71 प्लांट केंद्र की सहायता से लगाए जाएंगे और 18 बिहार सरकार की मदद से लगाए जाएंगे। बाकी के प्लांट स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए स्थापित होंगे। बिहार में यूरिया की तय कीमत से अधिक लेने पर कॉल करके करे शिकायत। कृषि विभाग ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए पहल किया है। इसके तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए किसानों को तय मूल्य पर खाद दिलाने की कवायद की जा रही है और जिला स्तर के अधिकारियों को उर्वरकों की बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी दुकानदार किसानों से 45 किलो बोरी वाले यूरिया की तय कीमत 266 रुपए से अधिक लेते हैं तो किसान इसकी शिकायत कृषि निदेशालय के फोन नंबर 0612223355 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी नियमित रूप से छापेमारी करने की चेतावनी दी गई है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में पंचायत स्तर के हजारों पद जा रहे हैं खाली। राज्य में जिला व पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया में कई सारे पद यूं ही खाली जा रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग का आंकड़ा मिला है जिसके अनुसार 478 प्रखंडों के 4412 पंचायत नियोजन इकाइयों में 12 जुलाई को 20803 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की गई, जिसमें से 8594 पद खाली ही रह गए। पदों के खाली रहने का कारण कोटी के मुताबिक अभ्यर्थी का नहीं मिलना बताया गया है। वहीं पहली कक्षा से पांचवी तक के लिए 50% पद महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है, मगर कई जगहों पर महिला अभ्यर्थी ही नहीं मिली। अब खाली पदों के लिए अलग से बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। पटना से ATM कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने वाला छात्र हुआ गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने एक छात्र युवक को गिरफ्तार किया है जो कि बड़े ही शातिराना ढंग से ATM से पैसे निकाल लेता था। गिरफ्तार युवक नवादा जिले का रहने वाला बताया गया है, जिसे कंकड़बाग थाना की पुलिस ने पोस्टल पार्क स्थित एक ATM से क्लोनिंग डिवाइस लगाकर पैसे निकासी करने पर पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक छात्र लड़के ने पोस्टल पार्क के एक ATM में क्लोनिंग डिवाइस को लगा दिया था, जिसके बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस को मुंबई हेड ब्रांच से फोन आया कि ATM में एक लड़के ने किसी तरह की डिवाइस को लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष ने ATM के आसपास सादी वर्दी में पुलिस जवान को तैनात कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में छात्र ने बताया कि क्लोनिंग डिवाइस बनाने का तरीका उसने YouTube से सीखा था। पूछताछ में पता चला है कि इसका एक और साथी जहानाबाद का है, जो इस काम में उसका साथ देता था। आरोपी अब तक 2 लाख से अधिक रुपए की निकासी कर चुका है। मुजफ्फरपुर में मूर्तिकार बना रहे हैं मोदी गुल्लक। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले का मूर्तिकार अपनी कला के कारण इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल यह मूर्तिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी मुरीद है और हूबहू उनकी शक्ल वाली मिट्टी की गुल्लक तैयार कर रहा है। जयप्रकाश नाम के इस मूर्तिकार के बारे में जानने के बाद न्यूज एजेंसी ANI ने भी जानकारी ली, जिसके बाद उसने बताया कि वह PM मोदी की आकृति वाले मनी स्टोरेज यानी कि गुल्लक को तैयार कर रहा है। इसके जरिए वह बच्चों के बीच प्रधानमंत्री का संदेश फैलाना चाहता है। मूर्तिकार ने बताया कि इस गुल्लक में करीब 1 लाख रुपए के सिक्के और नोट दोनों ही जमा किए जा सकते हैं। इस गुल्लक को बाजार में बेचा भी गया, जिसकी काफी डिमांड भी हो रही है। बिहार में महिला शिक्षा के प्रतिशत बढ़ने से जनसंख्या दर में आई कमी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों से एक नई बात बिहार के लिए सामने आई है। यहाँ जितनी ज्यादा संख्या में महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उस अनुपात में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 10वीं पास महिलाओं की संख्या में 6% वृद्धि हुई है, तो वहीं प्रजनन दर में 0.4% की कमी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कई पहल भी किए गए हैं। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अब सभी पंचायत में हाई स्कूलों की स्थापना भी की गई है और अब हर पंचायत में 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है, ताकि प्रजनन दर को 2% से नीचे लाया जा सके। अभी वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 3% है। वहीं केरल जैसे अन्य राज्यों में भी जहां महिला शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां प्रजनन दर 2% से नीचे आ चुकी है। कोविड वैक्सीन की कमी पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि वैक्सीन की खेप न पहुंचने के कारण विपक्षी दल के नेता हावी हो रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने गोपालगंज के एक केंद्र पर वैक्सीन लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे लोगों का वीडियो शेयर करके आलोचना की है। वहीं बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में मंगलवार को 1.11 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। हालांकि राज्य में कोवैक्सीन की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे दूसरी डोज लेने वाले लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि करीब 1 हफ्ते के बाद बीते दिन मंगलवार को ही कोवैक्सीन की खेप मिली है।
केंद्रीय टीम ने बिहार में की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा। बीते दो दिनों सोमवार और मंगलवार को बिहार में ग्रामीण सड़कों का जायजा लेने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय केंद्र की टीम ने कई निर्देश दिए हैं। टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को हर हाल में मार्च 2022 तक अधूरे पड़े 2200 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण करवाने का निर्देश दिया है। इसमें से करीब 778 सड़क और 315 पुल शामिल है। वहीं मार्च 2022 तक सड़क नहीं बनने पर बची हुई सड़कों का निर्माण राज्य सरकार को अपने खर्च पर करवाना होगा। सूत्रों के अनुसार राज्य में PMGSY के पहले और दूसरे चरण में करीब 57,700 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था। इसमें से करीब 55,500 किलोमीटर लंबाई में सड़क बन चुकी है। अब PMGSY के पहले चरण में करीब 1400 किलोमीटर और दूसरे चरण में करीब 800 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण हो रहा है। कुलदीप यादव के समर्थन में उतरे टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने कुलदीप यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव के साथ गलत हुआ है। T20 क्रिकेट में उनको उतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कुलदीप यादव ने पिछले एक साल से T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया है। बता दें कि बाएं हाथ के गेंदबाज कुलदीप यादव ने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच जनवरी 2020 में खेला था। उसके बाद से ही कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम के साथ गए थे, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। IPL की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में भी उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। भारत में कोरोना के मिले 40,000 से कम मामले। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन इसके विपरीत केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहे हैं, जिन्हें तीसरी लहर से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं देश में भी कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को देश में बीते 24 घंटे में 38,792 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 624 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 118 दिन बाद सबसे कम 31,443 नए मरीज मिले थे और 546 लोगों की संक्रमण से जान चली गई थी। कोरोना का कहर कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया भी जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार को क्या उचित फैसले लेने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।